योगी सरकार के कितने भी लाख दावे कर ले, कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। योगी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, यहाँ पर तो एक का ही साथ नजर आ रहा है। जिला संभल के थाना धनारी के गांव अर्थल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा हरी सिंह ने कर लिया है। जाने का कारण, ग्रामीण मुस्लिम के लोगों ने हरी सिंह से कहा कि ये कब्रिस्तान बहुत पुराना है और इसमें पक्की कब्रें भी है और पुराने पेड़ भी खड़े हैं। मुस्लिम लोगों से बोला, सरकारी हमारा जो है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मुस्लिम लोगों के जो बच्चे स्कूल में लिए जाते हैं तो रास्ते में बच्चों को स्कूल जाने से रोका जाता है, जिसकी शिकायत थाना धनारी पुलिस से की, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों की नहीं सुनी। फिर जिला अधिकारी व एसपी संभल को दिया शिकायत पत्र, जिससे मुस्लिम लोग परेशान हैं। गांव के यादव व जाटव समाज के 10 लोगों ने निकालना मुश्किल कर दिया है। बच्चे स्कूल जाने से दूर भाग रहे हैं। देखते हैं अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। हमारे कब्रिस्तान सर छीन लिए हैं, हम स्कूल जा रहे थे, हम पे हमला किया उन्होंने। गाली दी सर हमें, जाटव ने, राजेश ने, शरण सिंह, सुरेश चंद्र हैं और उसमें कब्जा करना चाहते हैं। आपके साथ में क्या हुआ? हम पढ़ने आ रहे थे, हमारी रास्ता तो लेखपाल को बुलाया और लेखपाल से साठ गांठ करके उन्होंने करीब एक बीघा जमीन उनके कब्जा कर लिया। लेखपाल ने अपनी मौजूदगी में उसकी बाउंड्री कराकर और उस पर एक कमरा बनवा दिया। आप कहाँ पे आए हैं? अब साहब हम डीएम साहब के पास आए, जिलाधिकारी साहब के। उन्होंने क्या कहा आपसे? ये कहा क्या साहब, एचएम साहब के यहाँ और क्षेत्र अधिकारी जो हमारे सीओ साहब हैं उनके यहाँ पेश हो जाना यादव का। अब उसने, एक यादव ने और एक लड़के ने, जाटव के ने, ये कहा कि साहब हमारी ज़मीन इधर निकल रही है। वो आधे आधे के शरीक हो रहे हैं कि ज़मीन भी वहाँ महंगाई है, रोड पर है ज़मीन। उन्होंने आधे आधे के शरीक होने के। जिला संभल से इस्लाम अली की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज़ संभल।